टी20 विश्व कप की इंडिया की टीम, भारत की टीम अनाउंस हो गई है। रोहित शर्मा कैप्टन है, विराट कोहली भी वहां पे आपको नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर मुझे नजर आई है उसमें रिंकू सिंह का नाम नहीं है। 176 का स्ट्राइक रेट, औसत कमाल का, मैचेस भी जिता है भाई लड़के ने, इंडिया के लिए मैच जिता है। अभी ज्यादा मैचेस मिले नहीं आईपीएल में, उस बेसिस पे उसको टीम में जगह नहीं मिली। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि एक तरफ आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना के, इसलिए कि वो इंडिया का कप्तान था थोड़े टाइम पहले, लेकिन अभी परफॉर्मेंस नहीं है, पर हम स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो वहां पर तो आपने स्टेबिलिटी दे दी, जो ठीक भी है, फिर रिंकू सिंह को भी तो स्टेबिलिटी दो ना भाई। इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं था कि वो इंडियन टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया था। दूसरा, अगर मैं रवि बिश्नोई हूं, मैं आईसीसी रैंकिंग पे 6 नंबर पे हूं और मुझे इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, मैं बहुत डिसअपॉइंट होगा। तो रवि बिश्नोई के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यार बंदा तो परफॉर्म कर रहा था ना जब खेला था। खैर अभी उतना परफॉर्म नहीं है, लेकिन क्या आप वो स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते? कई लड़कों के लिए स्टेबिलिटी, कई लड़कों के लिए स्टेबिलिटी नहीं है, ये सरप्राइजिंग वाली बात है। खैर इंडिया की बात है, विश्व कप की बात है, ये सभी लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को मुबारकबाद एंड विशिंग देम ऑल द लक। भाई अच्छा खेल के आओ।